दोस्तों फिर से जो है गुड्डे भाई की पतंग पहुंच चुकी है और छन्ने भाई की पतंग ऊपर है जो अभी कैमरे में नहीं आ रही है, ये आ गई है और ये दोनों की पतंग ऊपर नीचे हो गई है। ये दोनों की पतंग ऊपर नीचे हो गई है और बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ जो है घुसते हुए छन्ने भाई, और बहुत तेज़ी से ये डुबोया, बहुत तेज़ी से डुबोया दोस्तों, और बहुत तेज़ी से फिर से बचाया पतंग को, फिर से पतंग को बचाया है और गुड्डे भाई ने उसको बहुत तेज़ी से दौड़ाए हुए हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ाए हुए हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ाए हुए हैं और फिर भी बचा लिया। और फिर ऊपर नीचे ही है अभी, अभी ऊपर नीचे में ही है और देखते हैं कि क्या होता है नतीजा। और काफ़ी ऊपर है पतंग और फिर जो है छन्ने भाई ऊपर से तौकिया पतंग और ये जो है नीला पतंग है लाल पत्ते का पौना, और छन्ने भाई की पतंग अधी लगती है और गुड्डे भाई ने बहुत ही जो है भारी पतंग उड़ा दिया है, बहुत ज़्यादा जो हवा के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनकी अपनी मर्ज़ी है। और फिर से ये चले हैं छन्ने भाई ऊपर से और बहुत तेज़ी के साथ चक्कर देते हुए और फिर ऊपर खींच के बचाया है। और हमेशा जो है दोस्तों बहुत ही मौके से गद्दा मारा जाता है, ना कि बस फटाफट आए और मार के चले। फिर ये बहुत तेज़ी से डुबो दिया और फिर ये ले के निकल गए, ये ले के निकल गए दोस्तों, ले के निकल गए, बहुत तेज़ी से पतंग को काटा और बचा के भी ले गए और वो पतंग कट के जो है चली जा रही है, पतंग कट गई और आपको दिखाते हैं कि पतंग जा रही है। ये देखिए, ये जो कोने वाला दोस्तों गद्दा होता है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। पेच में दो ही तो होता है, एक नीचे से क्रास खींचना पावर से और एक ऊपर से कोने वाला गद्दा, ये जो है इसमें कोई बचता नहीं है दोस्तों। ये देखें पतंग जा रही है और देखते हैं कि कौन लपटाता है इसको। ये देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं, आज आप लोगों की दुआ से काम कर रहे हैं मोबाइल। और वो जो है देखें, वो लपटाया फिर चली गई, फिर से चली गई, लपटा लिया था किसी ने और पतंग चली गई वो नीचे छत के नीचे। तो फिर से उड़ा दिया इनके तरफ की जो है हमारे गुड्डे भाई की तरफ से पतंग उड़ गई है, अभी दूर है थोड़ा सा, आइए धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ देखते हैं कहाँ तक इनकी पतंग आई है। ये देखिए, ये इनकी पतंग आ गई है और बहुत तेज़ी से जो है छन्ने भाई की तरफ ठुनकी मारते हुए लंबी करते हुए, ये देखिए, तो बहुत अच्छी पतंग लौड़ रही, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और छन्ने भाई लोग बढ़ पे हैं, बहुत पतंग काट दी उन्होंने, उन लोगों ने बहुत पतंग काट दी। और बहुत तेज़ी के साथ जो है ठुनकी देते हुए, आइए देखते हैं फिर से। और ये देखिए फिर से आ गए हैं और इन्होंने अपनी पतंग को हटा लिया है और ये वाली तो छन्ने भाई की है और उसके अलावा इनकी वाली ये है गुड्डे भाई वाली, और देखते हैं कि क्या होता है अब की वाली में।
ये चक्कर देते हुए जो है दाहिने तरफ वाली वो गुड्डे भाई की तरफ की है, और बाएं तरफ वाली जो है उससे हमारे घर से 4 या 5 के ऊपर स्कोर हो चुका है, और बहुत ही 70 के करीब जो है वो लोग जाते जा रहे हैं, और देखते हैं कि क्या होता है ये वाली पेच में। और एक नीचे से भी जो है बीच से भप्पड़ कर रहा है, और फिर से ये देखिए ऊपर नीचे हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गई है, और ऊपर से चक्कर देते हुए छन्ने भाई की, और नीचे की तरफ से चक्कर देते हुए गुड्डे भाई हैं, और बहुत तेज़ी के साथ जो है आए हैं, और ये डुबोया इन्होंने बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से डुबोया दोस्तों, और ये बहुत पावर से मारा है इन्होंने, बहुत पावर से मार दिया है, फिर काट दिया दोस्तों, फिर काट दिया, बहुत शानदार पतंग काट दी है। आइए देखते हैं वो पतंग जा रही है, और ये कौन लपटाता है इसको भी देखते हैं। पतंग तो जा रही है, आप लोगों को दिखा देंगे, ये पतंग जा रही है, और ये एक नीचे से लपटाता हुआ चक्कर दे रहा, पतंग तो चलती जा रही है अभी, और बहुत सारे नीचे हैं जो देखते हैं कि लपटाता कौन है, और वो पतंग चली जा रही है दोस्तों, कोई नहीं लपटा पाया। और इत्तेफाक की बात है, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे हैं, कुछ समझ नहीं आता, जब खुद अगर हम लपटाने लगते हैं तो उसमें क्या करते हैं बीच में, वो लोग हमारे ही पतंग पे झोंक देते हैं, और ऐसे देखें कितनी पतंग चली जा रही है, कोई लपटा नहीं पाए, पकड़ के वो लपटा लिए एकदम नीचे आखिर में, वो लपटा के ला रहे। ये देखें ये काला वाला जो है ना, ये काला वाला जो है यही वाला लपटाया हुआ है, और ये पतंग आपकी ये है, ये पतंग ये है। और फिर से जवाब जो है दोस्तों चल गया है, तो आइए देखते हैं कि जवाब जो चला है कहाँ है कैसे है, आइए देखते हैं। जवाब हमारे यहाँ पास ये जा रहा है चक्कर देता हुआ, ये देखें ठुनकी मारता हुआ ये जा रहा है, ये देखिए छन्ने भाई की जो आगे ठुनकी मारे वो है, और ये जो चक्कर देता हुआ जा रहे जवाब है, गुड्डे भाई हैं, और वो वाला जो छन्ने भाई है दूर वाला। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों देखने में, एंजॉय आ रहा है, आज हम पतंग नहीं उड़ा रहे हैं लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। लेकिन दूर है उनकी पतंग, और इनकी पतंग यहीं पर है अभी, और बहुत अच्छा जो है गद्दा मार रहा है जनाब छन्ने साहब के तरफ का जो भी है, हमारे घर में छन्ने भाई तो नहीं है लेकिन नाम उन्हीं का होगा, क्योंकि उन्हीं से तय है, और जिससे तय होती है दोस्तों नाम उसी का होता है, चाहे जो भी काटे आदमी यही कहेगा कि छन्ने भाई की टीम ने काट लिया। और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत गह के गद्दा मार रहा है कोने वाला, आप लोगों ने देखा होगा कितना गह के गद्दा मारता है वो, और ऐसे में दोस्तों जब हवा कम हो जाती है तो बहुत भारी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, और ये जो हमारे गुड्डे भाई तरफ के हैं ये इतना ज़्यादा भारी पतंग उड़ा रहे हैं कि खींचेगा कहाँ से, खींचोगे तो कट ही जाएगी, जितना भारी होगा उतना हल्का वाला जो है वो खींच से काट देगा आपको। लेकिन फिर भी खैर अपनी अपनी चॉइस है, और वो इनकी मर्ज़ी है, और उसमें क्या कहा जा सकता है। और ये पतंग इनकी जो है करीब करीब पहुंच गई है, करीब करीब जो है गुड्डे भाई की पतंग ये पहुंच गई है, और छन्ने भाई की भी पतंग करीब करीब वहीं पास है, और देखते हैं थोड़ा सा रोशनी कर लेते हैं। ये देखिए ये गुड्डे भाई की पतंग है, और छन्ने भाई की वो बाएं तरफ वाली है, काफ़ी दूर है उनकी पतंग, अभी मोड़ के आएंगे वो। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, आप लोगों को भी आएगा आज मज़ा, चूँकि आज जो है आप लोगों को हमने लाइव जो है रिकॉर्ड करके और कोशिश की है, और अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो हम इसी तरीके से कोशिश करेंगे, चूँकि जब रोशनी कम हो जाती है तो मोबाइल की स्क्रीन पे नज़र आता है, तो इसकी वजह से वीडियो बन जाती है, और जब धूप होती है तो दिखता ही नहीं है, यानी छोटी छोटी सी पतंग होती है, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से हम जो है किस तरह से देख रहे हैं इसमें,
तो किस तरह से हम देख के बना रहे हैं बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर जो है कैमरा जूम वाला होता हमारे पास, DSLR जिसमें जूम वाला लेंस लगा होता है, तो दोस्तों उसमें बहुत आसानी से के साथ जो है आदमी वीडियो बना लेता है। कैमरे को ऊपर कर दिया जाता है, उसका डिस्प्ले नीचे कर लिया जाता है, जिसमें हम जैसे अभी गर्दन ऊपर करके मोबाइल ऊपर किए तो गर्दन को भी ऊपर करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन आप लोगों के लिए हमने कोशिश किया कि आप लोगों को जो है दिखाएं, क्योंकि सही बात है कि जब पतंग नहीं दिखती और कमेंट्री तो सभी लोग सुनते हैं। हालांकि पहले के टाइम पे जब क्रिकेट होता था, आप लोगों ने देखा होगा लोग कान लगा के कमेंट्री सुनते थे, तो बहुत से होते हैं जिनको खाली कमेंट्री पे भी जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से को नहीं लगता है। तो हमारे भाइयों में से कुछ लोगों को नहीं पसंद होगा, लेकिन आज हमने कोशिश की है कि आप लोगों को वीडियो भी दिखाएं। तो दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, लेकिन फिर क्या करें, अगर हम जो है कट कर देंगे तो पेज नहीं दिखा पाएंगे। तो हम आपको दिखाते रहेंगे जिसमें पेज समझ में भी आए कि हाँ क्या हुआ, ने कमेंट्री तो रह जाएगी। और फिर से देखिए ऊपर नीचे हो गई है, बहुत तेज़ी के साथ ऊपर से अंदर की तरफ आता हुआ छन्ने भाई की तरफ का, और नीचे से जो है गुड्डे भाई की जो है पेच है, और बहुत बढ़िया जो है ये फिर डुबोया। और डुबोने के बाद में दोस्तों डुबो दिया है और बहुत बढ़िया डुबोया है, और ये लेके निकला है बहुत बढ़िया कोने वाला, बहुत बढ़िया कोने, फिर काट दिया दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त काट दिया है, बहुत मज़ा आ रहा है। आज जो है करीब हमारे ख्याल से 70 के करीब हैं, और ये पतंग देखे वो जो कटा था वो जा रहा है। अब देखते हैं कि कौन इसको जो है लपटाता है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये पतंग जा रही है और देखते हैं कि कौन लपटाता है। ये देखिए पतंग जा रही, लपटाने वालों को आप देखिए कितने लोग हैं, और इनमें कौन लपटाता है आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। अब ये देखिए पतंग जा रहा है, और 4 या 5 ओहो 7-8 पतंग नीचे है, एक पतंग जा रही है, और वो किसी में आ गई है दोस्तों, किसी ने लपटा लिया है पतंग को, किसी में आ गई है और शायद पकड़ गई है, हमारे ख्याल पकड़ गई है दोस्तों ये पतंग, क्योंकि इतने फिर चली गई पतंग। यानी जैसा लग रहा, या तो हो सकता है एकदम छोटे छोटे नीचे भी रहते हैं जो कम पे जो लपटाए रहते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन फिर से वो देखिए ये जल्दी से लपटाने की कोशिश कर रहा है एक, और चक्कर दे रहा है, किसी में फिर आ गई है और शायद वो पकड़ गई है हमारे ख्याल से। और बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त पतंग लड़ रही है, और अभी इनके तरफ का नहीं जवाब चला। ये लोग 7 के करीब हैं, या तो 7 हो गया है चूँकि गिनती हमने नहीं की, काफ़ी देर से काट रहे हैं ये लोग, तो बहुत मज़ा आ रहा है, अभी जवाब नहीं चला है। तो जब आदमी कटने लगता है तो जवाब नहीं चलता। वो पतंग जो है करीब करीब हमारे ख्याल से पकड़ गया, तो देखते हैं फिर अगली वीडियो। आइए देखते हैं दोस्तों, पतंग पहुंच गई है और ये बहुत तेज़ी से गद्दा मारा है और फिर काट दिया है, फिर कोने वाला गद्दे से जो है दोस्तों काट दिया है।